बांका में बिहार। रात में कॉल करता हूँ 9 बजे विघ्नेश रिमाइंडर डाल। अच्छा यू हैव नोटेड डाउन विघ्नेश, वी पोस्ट ऑन मंडे एंड थर्सडे, ठीक है, वी पोस्ट ऑन मंडे एंड थर्सडे। मैंने इनको कुछ बोला है जो वो पोस्ट जानना चाहता है। अदर We have Ashwik here, Ashwik the rock star. इनका मास्क देखिए और प्रेरित हो जाइए आप सब लोग मास्क पहनिए। लेकिन 2 साल का छोटा बच्चा भी कितने अच्छे से मास्क पहन रहा है, तो मास्क को प्लीज मत छोड़े आप, है कि नहीं अश्विक? क्या बोलना चाहेंगे? बोले वाव वाव वाव। एक अंकल ऐसे ही घुमा रहे थे। अब की बार महिंद्रा सरकार के साथ साथ थार 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 वाह वाह वाह। बैंगलोर में बॉटल खरीद के रखे थे, वहाँ पे ऐसे रखा हुआ, अचानक से फिर ये खुल गया ना लॉकडाउन। अच्छा, नहीं तो टाइम नहीं मिला उनको। क्या बात है, ये महिंद्रा वाला नहीं है सर, कुछ तो अलग ही था, एंटिक वाला। जी हाँ, तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने बिहार के नावाडी गाँव, और साथ में हमारे गौ माता और अपने अपने तरफ से वो जो है अमृत वर्षा रही हैं। अमृत बरस चुका, वो छूट गया। जीजा जी थोड़ा सा लेट हमें बताएं इसलिए थोड़ा, और उसके बाद उस पर वो पूछ डाल रही हैं, उससे झरने की फील आ रही है। विघ्नेश भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। तो हम लोग हैं बांका में बिहार। एक दृश्य देखिए और बताइए, पागल है क्या? इतने जल्दी क्या हम लोग जादू से पहुंच जाएंगे क्या? लेकिन चढ़ जरूर जाएंगे। देख रहे हैं ये बांका बिहार में इतना बड़ा बिल्डिंग। एक्चुअली वी आर इन सदर्न पार्ट ऑफ मुंबई, विच इज कौन सा एरिया? प्रभा देवी में, यहीं पर दीपिका पादुकोण जी का घर भी है। तो बस ऐसा ही गांव वाली वाइब आ रही है, काफी ज्यादा आनंद आ रहा है। देखिए किस तरीके से, ये देखिए गौ माता हमारी आ रही है और आंटी लेके मस्त जा रही है, और एक गौ माता आ रही है उधर से। अद्भुत, ऐसा आनंद मुंबई में, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बहन है ये, इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना, क्या बात है। हर हर महादेव, जय हो नंदी जी की, नंदी जी की जय। देखिए इसको कहते हैं बहती धारा, गौ माता की जय। इस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग का शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये गौ माता से इतना इतना यू नो। और बाय द वे आई वुड लाइक टू से यू समथिंग अबाउट गोबर। गोबर का कुछ अद्भुत उपयोग बता दो। सबसे पहले तो गोबर इज यूज्ड फॉर आई थिंक खाद बनने के लिए, जो बायोफ्यूल भी है गोबर। बायोफ्यूल है, और क्या होता है वो खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खाद जो हम लोग छींटते हैं खेत में, ऐसा नहीं, वाइट फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट बोलता है। एंड देन ऑब्वियसली गाय के गोबर से गोइठा बनता है, जिससे कि हमारे तरफ खाना भी बनता है, यू नो, वो ऐसा जो है। और क्या गोइठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमारे बिहारी भाषा में गोइठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोइठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउडंग। वो तो गोबर हुआ। ये बोलते हैं इतनी शुद्ध होती है कि मतलब वो जिस चीज को ग्रहण करती है, बोले ना काउडंग केक बोलते हैं। काउडंग केक, नाइस। और ऐसी सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए मैं आपको जोकर वाला वाइब दे रहा हूँ। रुको, जोकर मूवी जो है ना, जो मैंने देखा 3-3 बार, 4-4 बार, पता नहीं कितनी बार। ये देखो अद्भुत। कहाँ भागे का भाग? अद्भुत। तो हम लोग अद्भुत आनंद उठा रहे हैं। उस दिन के समाचार से अच्छा है। ओके सर, मतलब उसके रेंज में उस दिन का जो समोसा था वो हैंग्लास के बाजू में जो था, वो तो कुछ अलग ही दुनिया से था। मतलब फिर से जा रहे हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली टुडे वाले। ये भाई शराब के दुकान में पीछे देखिए मस्त भीड़ लगी हुई है।
alcohol consumption is not good for health. Wonderful detail. Thank you. जय हो सूर्य देव की। प्रॉपर गांव वाली बात चल रही है। बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भगवान की प्रतिज्ञा, ये हमारे पिताजी ने अपने घर में, मतलब हमारे गांव में इस चीज को लगा के रखा है। बिच वॉज ये चीज तो खुद हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे तो हमें मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरा सब मार्ग ना खोल दो तो कहना क्या बात है। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दो तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो दे, कृपा ना बरसा दे, बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरे ध्यान ना रखूं तो कहना क्या बात है। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में तेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। मेरी कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही बात है, अ चाइल्ड गिव्स अ बर्थ टू अ मदर। मा दा 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 मा दा प म प म ग म री मा 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 प प प प मा। रेडी है? पक्का? All set, go. रुकना, वो झपुर झपुर जो बोलता है आगे। अच्छा फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। तो भाई अपना बोस के सर्विस सेंटर हम लोग आए हैं और हम लोगों का चौपा हो चुका है। ये लोग गूगल मैप पे क्यों 6 बजे बोलते हैं? वेरी बैड। ऐसा हालांकि मैं भी अपने बिजनेस में ऐसा ही करता हूँ कि मतलब गूगल पे हमारे 24/7 है, लेकिन हो जाता है तो थोड़ा सा कोऑपरेशन करता है। क्योंकि क्या होता है, इंसान जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को लेता है तो उनको किसी भी चीज़ में मिस्टेक नहीं दिखता कि चलो हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, कोई बात नहीं तो। लेकिन ये वाला चीज़ को ना बदलने का दादा बहुत झोल कर रहा है, ये बहुत झोल कर रहा है। कल आप तो कुछ आवाज़ ही सुनाई नहीं देता, एकदम कुटर कुटर आवाज़ आता है, ऐसा कैसे चलेगा बोलिए तो। चल, ये डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा, ही इज़ ऑल द वे फ्रॉम नागालैंड एंड नाउ ही इज़ ऑफ टू अफ्रीका। परफेक्ट। तो बेटा आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? Which breed is this? Dachshund. What sir? It's called Dachshund. Dachshund. Wow. इतने ही रहते हैं ये पूरे जीवन भर? No, you are much smaller. Okay, okay. They grow, but इससे ज़्यादा नहीं ना? हाँ. They grow longer. No, he's don't grow. Now that's it ना? Wow. हमारे तिवारी जी हैं। तिवारी जी के साथ भी अपना टाइप हो गया। By the way, this is ये भी अब बिल्डिंग का ही है, डेली। अच्छा, सुबह काम
अच्छा पेपर लेके जाते हैं, अगर बाथरूम किया तुरंत पेपर में रोड पे नहीं कराते हैं। क्या बात है, क्या बात है, पेपर लेके जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। चलो तिवारी जी, ओके बाय बाय सर, ये आके बात करेंगे आपसे। हाँ ठीक है, मैं इधर ही मिल जाऊंगा। ठीक है सर। तो बेसिकली सोसाइटी वाले ने ना अभी क्या पीछे मेट्रो का काम चल रहा था, तो कोई भी आके इधर पार्किंग कर देते थे। तो ये सोसाइटी का मतलब अभी पता चला 800 लोग हैं इस सोसाइटी में, इधर ही हम लोग आए हुए हैं। तो नाउ वी हैव मेड अ बिजनेस टाइप एज यूजुअल। पाव वाले को पकड़ो, 60 रुपए वसूल था। मतलब सो व्हाट दे हैव डन कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनको पार्किंग देना होता है और वो सोसाइटी के अकाउंट में जाता है, तो कोई भी वेल्ले लोग इधर नहीं आ सकते हैं। और सोसाइटी भी एकदम क्लीन वर्क भी हो रहा है, तो अभी उनसे अपना टाई अप हो गया है। जितने लोग इधर कार पार्किंग करेंगे बाइक कितना बुला रहा है, क्या हो रहा तो आज क्या बोला, ये सारी चीजें हैं। अद्भुत रहा, अद्भुत रहा। तो हमारा 100 पैम्पलेट हमारे ये जनाब जो है लोगों को देंगे, जो भी नए नए लोग आएंगे। एंड वी आर जस्ट इन मूड टू ग्रो, दैट्स इट। यो सो लेट्स गो ब्रो, दिस इज आई डू व्लॉगिंग, ओके सो दिस इज फॉर माय व्लॉग। I'll send you my channel's link. I record my daily activity, whatever thing. बच्चे लोग जो है टिफिन टाइम में मस्त टाइम पास कर रहे हैं, और ये बच्चा को खाने से मतलब ही नहीं है, ये खाने के अलावा सब खाता है। जल्दी खाओ आयुष, खा रहा हूँ जल्दी आयुष, आयुष जल्दी अभी अभी खोल और खाओ। अरे हाँ, एक बाइट खा के मुझे बता कैसे खाते हो। हाँ जल्दी, हाँ चल जल्दी खा 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 जल्दी, लास्ट ही बचा, खाओ खाओ खाओ। 1 2 3 Don't pout in front of food, Ayush. क्या बात है, बहुत जल्दी खा, अच्छे से खा। भाई हमारे जनाब सर, आपका नाम तो बताइए। संजय। तो संजय जी हमारे प्लम्बर साहब हैं, इन्होंने जो है अंदर का फ्लश का कुछ जो है काम किया, बार बार वो खराब हो रहा है। मतलब दो पीस बदली किया और अभी और भी चल रहा है। तो बेसिकली 3,000 रुपए के लिए इन्होंने जो 3 बार फॉलोअप कर लिया है, अभी और देखिए क्या क्या होने वाला है। अभी भी अभी तो ये चलना ही बंद हो गया सर, दिख रहा ना आप, कुछ तो अलग ही सीन है भाई। तो स्पेशल व्लॉग आपके लिए, बाथरूम व्लॉग, एंजॉय। सर ये देखो, अब तो चल ही नहीं रहा है, तो कुछ तो झोल ही है भाई इसको। इस बार प्लीज संजय जी ऐसा कर दीजिए, देखो मैं अभी पहली बार नहीं कर रहा सर,
वो तो मालूम है सर कि आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऐसा कैसा हो चलेगा सर? वही मैं सोच रहा हूँ, दो तीन बार ऐसा अभी इतना फ्लाइट में करता हूँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उसको भी बोला मैंने, देखो तुम्हारे से लेके जाता हूँ पट, तो आज से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं सर, करो करो ध्यान। एक ही चीज भी मार बार आने को हमको भी अच्छा नहीं लगता, ये बात है। ऐसा बात होता है, इसको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, दुकान वाला तो नहीं देगा। बिल्कुल सर। और ये रहे हमारे बालक पालक, ये जो एक्रोमेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन नेक्स्ट वन मंथ यू विल बी सीइंग हिम एज अ रॉकस्टार गिटारिस्ट, उसका भी ब्लॉग देखिए। एंड अब इनसे आप रोज मिलते रहिए, हर हर महादेव। और बाकी सब तो बढ़िया है। हाँ मतलब हम जो है मुंबई में पिछले 9 साल में पहली बार हुआ कि लगभग 2-3 घंटे के लिए लाइट कटा है कुछ पार्ट। हमें लगा था कि एकेडमी का लाइट कट गया, लेकिन एकेडमी का नहीं कटा है, घर के तरफ का कट चुका है। जीजा जी का काम जो है वो रुक गया है, वो बोल रहे थे कि एकेडमी आ जाए क्या, तो इधर आ जाते हैं। लेकिन शायद इन्वर्टर होगा या व्हाटएवर इट इज, बट इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि इंटरनेट जिधर से हमारे वेंडर हैं वो जो है भाई उनका थोड़ा सा झोल हो गया है, तो बस ऐसा ही सीन चल रहा है। एंड आई एम बैक टू माय डेली व्लॉगिंग, काफ़ी ज़माने के बाद कर रहा हूँ मैं डेली व्लॉगिंग, और क्या बोलूँ, कर रहा हूँ तो बस कर रहा हूँ। और ये इसका एपिसोड तो आपको शायद मालूम ही होगा, ये जो है ये सोनी का जो है हेडफोन ऐसा निकल गया है। उस दिन हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से कि चलो 2000 रुपये लगेगा, क्या 2000 लगाएं, जो वाइट क्या डबल टेप लगा देंगे, ऐसा बात हुआ। लेकिन ये भी नहीं कर पाए हमारे जनाब, और हम भी मतलब तो हमारा तो पेंडिंग वर्क ही बहुत सारा रहता है। पेंडिंग वर्क इसलिए रहता है क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्क जो रहता है, जैसे लेट्स सपोज डेली अभी लीड्स आ रहा है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, उनको फॉलो अप करना। एंड यू नो व्हेन आई टॉक तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बिकॉज यू नो आई टॉक सोल टू सोल, नॉट एज अ यू नो बिजनेस, जस्ट बिजनेस, यू नो इतना पैसा इतने में इतना इंच मिलेगा, ऐसा आई डोंट टॉक। सो आई टॉक इन डिटेलिंग, एंड एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर विल बी ऑल अबाउट हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स आई हैव अर्नड, नॉट अबाउट हाउ मेनी अमाउंट्स, हाउ मच अमाउंट आई विल बी यू नो अर्निंग, एंड कितना मैं नर्चर कर पाऊंगा उस चीज़ को। इट्स ऑल अबाउट अर्निंग ह्यूमन बींग्स, तो या ह्यूमन बींग्स तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग अर्न कर रहे हैं। कुछ ह्यूमन बींग में एक ये भी है, इसका नाम है विग्नेश रेड्डी है। सही हो। और ये बोर्ड वगैरह भी, और भी अभी भी काफ़ी सारा चीज़ है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा ब्लॉग को, छोटा छोटा क्लिप ऐसे ही दिखाऊंगा। बाय द वे अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना है और मिलवाना भी है, इनके अद्भुत बाइक से मिलवाना है, और उस बाइक की क्या कहानी है वो भी बताते हैं, और क्या क्या चीज़ और भी चल रहा है वेरी इंटरेस्टिंग, वो सब कुछ चर्चा करेंगे। अभी इनके बाइक में पेट्रोल भराने के लिए जाना है, एक बार प्लम्बिंग वाला जो है काम वो सही हो जाए, उसके बाद देखते हैं। आई होप काफ़ी वक्त के बाद आपको हमें जो है इस तरीके से खुल के जो है ब्लॉगिंग करते हुए देखते हुए काफ़ी आनंद आ रहा होगा, तो ऐसे ही आनंदित रहिए और बोलिए हर हर महादेव। ओह ओह ओह, तो जिस बाइक का मैं बात कर रहा था उसी बाइक पे मैं सवार हूँ, ये विग्नेश का बाइक है, यूनिफॉर्म गाड़ी है। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ, मैं आपको शॉर्ट में अच्छे तरीके से बताता हूँ, और अब इसका भी मैं आपको सिनेमेटिक शॉर्ट दिखाऊंगा। तो बेसिकली विग्नेश जो है सोशल म्यूजिक अकेडमी के अभी ऑफिशियल मेंबर है, ये पकड़ वो बाइक लेकर जाओ, अरे तो जाओ ठीक है। सोशल म्यूजिक अकेडमी के विग्नेश जो है हमारे एसोसिएटेड मेंबर है। तो नाउ विग्नेश हैव स्टार्टेड टेकिंग अप प्राइवेट ट्यूशन, हम लोगों का एक जो एडमिशन अभी हुआ है फ्रॉम कौन सा खार है, खार में हुआ। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्या कैसे करना है, तो अगर विग्नेश रिक्शा से जाता है गोरेगांव से खार, तो 200-400 रुपये का लगता है वन साइड 200 रुपये लगता है। तो बेसिकली 400 रुपये दिन का खर्च हो जाता। और अभी जो यूनिकॉर्न बाइक है ये देखो तीसरा, और यूनिकॉर्न बाइक विग्नेश के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बहुत दिन से उसने चलाया नहीं था। कितने दिन से नहीं चलाया था सर? ये फोन नहीं है, वीडियो है। सर ये वीडियो है, अरे ये वीडियो कर रहे हो क्या? वीडियो कॉल ये मेरा सर यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब चैनल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बता, छः महीना क्या बोल रहा था मैं, 6 महीना हुआ गाड़ी ऑन करके, 6 महीने से गाड़ी बंद है। तो कुछ कुछ जो इसमें सीन चल रहा था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्या करें, गाड़ी नया खरीदें नहीं खरीदें, ये करें वो करें जो भी करें, तो देन फाइनली वी केम अप विद एन आइडिया कि गाड़ी कोई बनवाते हैं। और गाड़ी में ज़्यादा कोई भी इश्यू नहीं था, एक बेसिक वो उसका टैंक जो है खुल नहीं रहता था, जंग वंग लग गया है, व्हाटएवर इट वाज,
1250 रुपये मात्र खर्च हुए और गाड़ी इज़ एब्सोल्युटली स्मूथ। ऑब्वियसली थोड़ा एक्सटीरियर चीज़ों पे जो है काम करना है, लेकिन एक्सटीरियर से ज़्यादा इंटीरियर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए एंड इंटीरियर चीज़ जो है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है एंड गाड़ी इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और गाड़ी जो है अभी फुल करवाया जा रहा है क्योंकि मैं जो है गाड़ी फुल ही करवाता हूँ, तो ये बात थी। बाकी सब तो करो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बदला गया था बराबर, इसके अलावा कुछ हुआ कुछ भी नहीं बस। अरे ऑब्वियसली और क्या था, वो कार्बोरेटर चेंज किया उसने, कार्बोरेटर एंड समथिंग समथिंग बेसिक सर्विस। और अभी हमारा पेट्रोल हो गया फुल 1000 रुपये में। क्या बात, विग्नेश इज गुड फॉर वन मंथ, क्या बोलता है विग्नेश? लेट्स सी, विल से एकदम माइलेज। और ये रही हमारी अद्भुत सी गाड़ी, इसका बस ये टूटा हुआ है, इसको रिपेयर करना और कुछ कुछ बेसिक ये इधर भी टूटा हुआ है और कुछ ऐसा चीज़ है और जंग वंग लगा हुआ है, तो बेसिक इसका सर्विसिंग कराएंगे, बाकी सब तो बढ़िया। यो बुलेट और मेरा हार्ली जो है वो 1000 रुपये तक में भर जाता है, हार्ली तो 700-800 में भर जाता है, बुलेट भी 1100-1200 में भर जाता है, ये तो भाई 1500 का पेट्रोल चला गया, 16 लीटर 18 लीटर बना रहे, बता रहे जनाब अद्भुत, क्या बात है भाई, इतना बड़ा टंका बस हो गया अंकल। नहीं 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 भरो 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 सर, जब तक लीक ना हो भर, भर गया सर, बस हो गया। अभी का दुकान रखा था, अभी इधर तो कहीं तो फंस गया, इधर जगह पे ये लो। एक चाबी इधर का खोलने का उधर का खोलने का, सब जगह का अलग अलग चाबी रखा था, अभी फाइनली सिंगल चाबी हुआ। और भाई इस बाइक में 1500 रुपये का पेट्रोल आया, 17 लीटर, व्हाट द फ्यूचर। तो फाइनली हमारा एक बार सिनेमेटिक शॉट देखिए हमारे बाइक का, अद्भुत बाइक का, इतनी द मास्टर द बाइक। और अब इसको अपने बुलेट की तरह ऐसा चमकौल बना दिया जाएगा, ऑल सेट, एवरीथिंग ग्रेट। पहली बार हमने देखा कि भाई किसी बाइक में 1500 का पेट्रोल बाइक में, क्योंकि हार्ले 700-800 में भर जाता है और बुलेट मेरा 1100-1200-1300 मैक्स, छोटे बाइक में अद्भुत। मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाऊँ, एंजॉय दिस जंग। अभी अपलोड करने वाले ऑब्वियसली ब्रो, सो ये है ऑथेंटिक देसी घरेलू बाइक जो कि काम अभी आ रहा है, समझे क्या, ये देसी लोग हम लोग, क्या बोलता है, इंडियन मेंटालिटी, अद्भुत। हर हर महादेव, जाओ बाय बाय। नंबर प्लेट वगैरह भी सीन करना है, बहुत कुछ करना है, आराम से जा बेटा, ठीक है बाय। सो बेसिकली द प्लान इज कि सोलफुल म्यूजिक एकेडमी को एक स्विगी जैसा, यू नो, जैसे स्विगी है, जैसे जोमेटो है, जैसे अर्बन कंपनी है, वैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना है कि जिसमें कि हम पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से ऐसे म्यूज़िक ट्रेनर को हायर करें, यू नो, जो कि सिंगल है, इंडिविजुअल है, जिनका स्कूल नहीं रहता, और उनको हम लोग प्रमोट करें और उनको हम लोग ट्यूशन दिलाएँ, यू नो, स्टूडेंट्स दिलाएँ, ऐसा। तो ये प्लान है अपना, तो प्लान की शुरुआत हो चुकी है हमारे विघ्नेश भाई के साथ। हर हर महादेव। और ये हमारे सूर्यदेव, जय हो सूर्यदेव। ये जर्नी होता है ना जी सर, तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि ये मीट द नाना जी और इस बच्चे को अपना भी लिफ्ट में जो है, मतलब अपना बाइक भी लिफ्ट में डालना, ना बकलोल है वो इतना, मैंने बोला मत डाल, स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका लिफ्ट। और इधर है पापा जी, नाना जी, मामा जी, और ये असली नाना जी का बाइक जी, और ये बच्चा जी। चलिए, तो इट्स बीन रियली अ वाइल, डाइनिंग जो है अभी वापस शुरू हो गया, कितना तारीख से, 15 क्या बनाने पता नहीं, जब से भी तो बेसिकली अभी देखो हम लोग डोमिनोज में आए ज़माने के बाद, और बस हम ही चार लोग हैं ऐसा लग रहा है, हम ही रईस लोग हैं बस, बाकी एवरीथिंग गुड। अरे आजू बाजू को हमको देख लेते, परफेक्ट। आई थिंक 6 महीने के बाद आपका भी एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम डाइनिंग, तो हम भी नहीं किया है। आपका भी नहीं, हमारा हो चुका है बागेश्वरी। चीयर्स। हमारा लॉकडाउन में भी चल ही रहा था। तो आज हमने सोचा है मास्क और हेलमेट के साथ भी खाना खाए। ऑर्डर करना
हजार करोड़ साल के बाद डोमिनोज पिज्जा, हालांकि पहले खाए थे घर में खाए थे, लेकिन इस तरीके से बैठ के। और यशात भैया इज ऑल्सो इन, चीयर्स। तो भैया जो है कि चटियार है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, और ये जो है अपने आप को चटियार है, और हम तो भाई बस यशात भैया और एक पिज्जा ऑर्डर है, ठीक है। हम तीनों जो हैं, एक्चुअली हम चारों, एक दो तीन और चार, हम लोग शुद्ध शाकाहारी, विजय जी नॉन वेजिटेरियन। वरना मैं इधर ही सो जाऊंगा आज बाइक चलाते चलाते। तो ये बच्चा सुबह 4 बजे से 10 बजे रात तक एकेडमी के साथ है, हमारे साथ है। बहुत आगे जाएगा ये बच्चा, इस बात को लिख के ले लीजिए, ये बच्चा इतना आगे जाएगा कि मतलब बस आप और हम देखेंगे साथ में। तो चला जाए, अभी ये निकलेगा अपने घर, हम निकल रहे हैं अपने घर। मैंने आज वो कैमरा, मतलब गोप्रो नहीं है, क्योंकि मैं ये छोटा हेलमेट लेके आता हूँ। कट 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 कट, गुड नाइट, गुड नाइट। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। Two new things. One is my AirPods Pro and haircut. Total 11,500 rupees. 11,490 में पूरी गाड़ी रेडी होगी। ओह, विग्नेश बोल रहा है 11,000 कितना? 490. और पेट्रोल तो लिखा ही नहीं है बेटा। पेट्रोल तो यू हैव टू ऐड, क्योंकि पेट्रोल का एक्सपेंस जो है वो एक्स्ट्रा लगा हम लोगों को, वो तो खर्च में ही आएगा, वो बाद में बना है। सो बेसिकली माइलेज वाला काम नहीं करा था हम लोगों ने, 3,000 का पेट्रोल जो है लगभग 25 दिन में जलाया। और इस दिस एटीट्यूड, दिस 25 दिन में नहीं जलाया, चलो तो 20 दिन में, 40 हद हो गया 20। सो व्हाई दिस एप्पल एयरपॉड्स प्रो, बिकॉज दे वर चार्जिंग मी। हमारा एयरपॉड्स 1 है, एयरपॉड्स 2 हमने बड़ी दीदी को गिफ्ट किया, एयरपॉड्स प्रो जो है हमारे लिए हो गया अगेन। सो मतलब तीनों एयरपॉड्स हमारे पास रहा। एयरपॉड्स 1 का दाम है 15,000 रुपये, और ये लोग रिपेयर करने का 21,000 का बिल दिया। हालांकि हमारा जो है युद्ध अभी जारी है एप्पल इंडिया से, हमने उनसे, उनके हेड से भी बात किया कस्टमर केयर कॉल करके, यू नो एप्पल सपोर्ट, बट दे आर सेइंग कि ये हमारा पॉलिसी है, विघ्नेश हम मिलके जो है कुछ अद्भुत सा चीज़ लिखने वाला है, जो कि काफ़ी जेन्युइन सी बात है। आप लोग भी बताइएगा गाइस कि अगर हमारा सामान जो है 10 रुपये का है, और अगर उसमें खर्च 15 रुपये होता है, 15 रुपये नहीं, अगर उसमें खर्च मान लो 35 रुपये होता है, तो क्या ये लॉजिकल है क्या? एंड अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या उनको उसको ठीक करने का लुकआउट नहीं रखना? ऑब्वियसली एक साल से ज़्यादा क्या, मेरा 3-4 साल हो गया उस एयरपॉड्स का, बट स्टिल कस्टमर सर्विस। मेरा बुलेट देखो यार, माई बुलेट इज कितना 15 साल पुराना है, आज भी देखो क्या मक्खन जैसा चलता है, वो बात अलग है, 1.5 लाख रुपये खर्च हो गए हैं उतने में नया बुलेट भी आ जाता है, बट स्टिल। सो ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, टू बी कंटिन्यूड एंड थिंग्स आर हैपनिंग ग्रेट। उधर आप देख सकते हैं विघ्नेश, उधर आप देख सकते हैं पंखा भी आ चुका है, क्या कहानी है सब पता चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉग तो रिमेन एक्साइटेड, हर हर महादेव। सो या दिस इज व्हाट दिस इज, 13th of November, फ्राइडे इट इज, एंड द टाइम इज 8:53 AM। चीयर्स। पाके रहेंगे उस मंजिल को हर हाल में जब तक है। आई रिकॉर्ड में, अच्छा मैंने आपको अपने चैनल का लिंक अभी तक नहीं भेजा ना, मैं आपको आज भेजता हूँ, आई विल सेंड यू द लिंक राइट अवे।